मोदी के द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया। आगरा में रेलवे के इतिहास में एक और स्वर्णिम पट जुड़ गया। प्रधानमंत्री ने एक साथ 2000 स्थानों पर 554 अमृत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1500 से ज़्यादा ROBI और RUBI का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसी अमृत योजना के तहत आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन का हुआ है चयन। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, मेयर आगरा हेमलता दिवाकर, महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित मौजूद रहीं। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया। SP सिंह बघेल राजा मंडी रेलवे स्टेशन, बिलोचपुरा स्टेशन, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट भी इस योजना में शामिल होंगे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मुझे लगता है आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है कि एक साथ 2000 जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 ROBI और RUBI के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीजन में 35 ROBI और RUBI बनने का काम हुआ है और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत उनका सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम चीजें हैं। 10-12 पॉइंटों पर कार्यक्रम हो रहा है। इसी योजना में आगरा कैंट पे काम हो रहा है, आगरा फोर्ट पे होगा, कुबेरपुर पे, राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा, बिल्लूपुर में भी होगा, वहाँ पर कुछ ट्रेन रुकने का आ गया। मुझे आगरा लोकसभा में मेरी 2 डिवीजन है, एक आगरा डिवीजन, एक प्रयागराज डिवीजन। तो प्रयागराज डिवीजन में आज ही आगरा ही लोकसभा की अतनातपुर विधानसभा में बरहन स्टेशन, मतावली स्टेशन और चमरौला रेलवे स्टेशन पर ROBI का उद्घाटन हो रहा है। तो ये जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 45,000 करोड़ का बजट होता है, भावनाओं से तो काम होता नहीं है, 2,50,000 करोड़ बजट से काम हो रहा है, तो ये लगेगा तो सारा दिखाई पड़ रहा है। आगरा की अच्छी बात है, लगभग सभी राजधानियां, सभी समस्त यहाँ से निकलने वाली ट्रेनें जो मानक के अनुसार हैं वो सभी रुक रही है। हमें मुंबई राजधानी का स्टॉपेज मिला है, बंगलोर राजधानी का मिला है, इसके अलावा तमिलनाडु एक्सप्रेस रुक रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए, रिजर्वेशन के लिए हमारी सीटें बढ़ रही हैं, कुछ ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं, ठहराव यहाँ पर हो रहा है, पानी पीने की व्यवस्था ठीक है, अपनी वो लिफ्ट लगभग हर प्लेटफॉर्म के लिए सीनियर सिटीजन के लिए है और एस्केलेटर्स का आगरा उस पे कैंट पे और जैसी राजा मंडी और फोर्ट इसमें अमृत उसमें आएंगे तो वहाँ पर एस्केलेटर्स भी रहेंगे। पुलियों के लास्ट व्यक्ति देखकर उनके रुकने का, उनके सोने का भी इंतजाम किया जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और GRP मिलकर अच्छा कर रहे हैं, रेलवे के क्राइम को भी रोका जा रहा है। जहर खुरानी की घटनाएं अक्सर हम देखते थे, रटेची चोर बहुत होते थे, जिसमें काफी हद तक कमी आई है। लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब हम ये 2,50,000 करोड़ का बजट प्रधानमंत्री ने दिया है तो हमें सब लोगों को टिकट भी लेनी चाहिए और रेलवे का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, जितना टिकट, इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता कि जितना एक सेकेंड क्लास में दिल्ली से आगरा की टिकट है उतना आगरा उतर के अपने घर जाने में ऑटो वाले लेते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर का ध्यान इसलिए है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल देश में निःशुल्क ले रहे हैं।